हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का। तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग विद सूटेबल एग्जांपल। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्सिंग क्या होती है सी हैश के अंदर, और उसके बाद देखेंगे अनबॉक्सिंग क्या है। सो बॉक्सिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू टाइप इंटू अ रेफरेंस टाइप। ठीक है, कि एक वैल्यू टाइप को एक रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करना। अब वैल्यू टाइप क्या होती है? वैल्यू टाइप का मतलब है जैसे कि अगर आपके पास कुछ है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो ये सब क्या है? ये वैल्यू टाइप होते हैं। और रेफरेंस टाइप क्या होता है? सिंपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बॉक्सिंग क्या हो गई? सिंपल डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना। तो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है बॉक्सिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब इसी का उल्टा जो होता है वो होता है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रेफरेंस टाइप डेट इज की ऑब्जेक्ट टू वैल्यू टाइप। मतलब कि अगर हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, कैरेक्टर में, तो ये कहलाएगी अनबॉक्सिंग। ठीक है, सो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। सो अब दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बॉक्सिंग का एग्जांपल। सो उसके लिए हम सीधा मेन फंक्शन से लिखना शुरू करेंगे कोड को। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, अब इसके अंदर एक हम ले रहे हैं वेरिएबल इंट आई इज इक्वल्स टू 100। तो ये क्या है? ये डेटा टाइप है, या हम इसको लिख देते हैं वैल्यू टाइप। देन इसके बाद हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्लास का मैंने एक रेफरेंस बनाया। ऑब्जेक्ट क्लास का लेट अस से उसका नाम था आई ऑब्जेक्ट, और इसको मैं सीधा साइन कर दूंगा आई। तो अब क्या हो गया? अब अनबॉक्स, हाँ सॉरी, बॉक्सिंग हो गई। दिस इज द बॉक्सिंग प्रोसेस। तो ये जो वैल्यू टाइप था ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट अस ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस आई। आई की वैल्यू को मैंने कर दिया अब 200। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने इसलिए चेंज की है कि अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करा के दिखाऊंगा और इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखेंगे, तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्रिंट कराते हैं। सो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। सो पहले मैं प्रिंट करा रहा हूँ सिंपल आई की वैल्यू, देन सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ दिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू। सो आई ऑब्जेक्ट। सो अब आप ये बताओ मुझे कि इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए। तो देखो, जब हमने आई प्रिंट कराया तो आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 200। तो इस केस में आउटपुट आएगा 200। और आई ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? अब आई ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या साइन हुई थी? आई, और इस वक्त आई क्या था? 100। तो ये क्या प्रिंट करेगा? 100। सो दैट इज हाउ दिस बॉक्सिंग प्रोसेस इज डन। तो जो बॉक्सिंग प्रोसेस का कोड है वो कहाँ पे लिखा है हमने? इस वाली लाइन में। सो अब देखते हैं एग्जाम्पल अनबॉक्सिंग का। सो सेम इसी की तरह एग्जाम्पल है पूरा। सो लेट अस क्रिएट स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन फंक्शन बना लेते हैं। सो एक यहां पे वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से इंट आई इज इक्वल्स टू 100 ही ले लेते हैं। सेम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में। सो ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू आई।
अब मैं चाहता हूँ वापस से मैं इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। तो एक वेरिएबल मैंने लिया जे, इंट जे इज इक्वल्स टू, अब मुझे देखो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा टाइप कास्टिंग के लिए, इस तरह से। सो इंटीजर टाइप वैल्यू ऑफ व्हाट दिस ऑब्जेक्ट, सो आई ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो कोड है, ये है कोड किसका, अनबॉक्सिंग का। जहां पे एक ऑब्जेक्ट टाइप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वैल्यू टाइप में। सो देन सिंपल, आप इसको प्रिंट करा सकते हो कंसोल डॉट राइट लाइन से। सो जे की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 100। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने क्या देखा, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन सी शार्प। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।